गाइस वेलकम टू मोर सुपर बिटकॉइन फॉरएवर। सो लास्ट एपिसोड में हमने तक क्लिनिक का 1-4 लेवल कंप्लीट कर लिए थे और ये एपिसोड में हम 5-6 और बॉस फाइट करने का ट्राई करेंगे। तो ये जो क्लिनिक है ये पिछले जो जोन है जो ग्रुप था उससे अलग है, क्योंकि यहाँ के स्मॉल एनिमीज वो अलग है और लेवल पार करने के मैकेनिक्स अलग है, मतलब अलग अलग पजल्स टाइप के जो हमें सॉल्व करने होते हैं लेवल पार करने के। एंड ये जो 5-6 लेवल और ये बॉस फाइट है ये मैंने अभी हाफ आवर पहले कंप्लीट किया था, लेकिन मुझे लगा मेरा OBS ऑन है और रिकॉर्डिंग चालू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग चालू नहीं था। तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया और वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाय द वे ये जो लेवल्स है ये सेम नहीं होने वाले, ये रैंडमली जनरेटेड लेवल्स होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस बार क्या आता है। पिछले बार से तो अलग ही होने वाले क्योंकि रैंडमली जनरेटेड होते हैं। ओके डेफिनेटली अलग है ये, कुछ नए एनिमीज भी दिख रहा है। वापस क्यों जा रहे हैं? ओके नाइस। अरे जंप करना था, ये पंच कर दी, क्योंकि हमारे जंप और पंचिंग बटन सेम है तो कभी कभी मुझे लग रहा है गेम को भी कंफ्यूजन हो जाता होगा। तो बंदा पंच करना चाहता है कि जंप करना चाहता है जब एनिमीज क्लोज होते हैं तब। दिख रहा है मुझे पार कैसे करना है, आइडिया लग गया उधर कैसे पार करना है। अरे नहीं, तो हमें वो विंड की मदद लेके ऊपर की तरफ क्लाइम करना है। सेम है नहीं, ऐसे तीन बार पंच करना पड़ता है। वो एक टेक्निकली मम्मी गोस्ट जो होता है उस टाइप का है, उसके बैंडेजेस फुल फुल के आते हैं हर पंच के साथ। आज भी कहीं उसे पंच मारने के साथ सीधा नीचे गिर जा रहे हैं। अरे दिक्कत क्यों होती है कि ट्राई करते यहां से निकल सकते हैं। मुझे बस उसे पंच करना था, उतना ही था, मैंने वो पंच पहुंच कर दिया। ये एक टाइमिंग ठीक नहीं होती, पूरा गेम टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो बटन दबा रहे हो टाइमिंग करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो पंचस की जगह जंप कर देगा और जंप की जगह पंच मार देगा। चलो फिर, मुझे पंच करना था लेकिन ये जंप कर दिया।
ओके नाइस, फाइनल लेवल भी पार हो चुका है। वो लेवल का एंडिंग ही था इसलिए थोड़ा सा टफ टाइप का था, जो तो मैं तीन बार मारना था। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, हाँ ये पूरा ये गेम में पंचर्स और जंपिंग सेम बटन है, स्पेस से होता है। तो अगर टाइमिंग मुझे लग रहा है जब एनिमी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर होता है तो वो स्पेस को एज अ पंच कंस्ट्रक्ट करता है, नहीं तो जंप कंस्ट्रक्ट करता है। तो या वो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब दबा रहे हैं। ओके सिक्स लेवल चालू हो चुका है, सिक्स लेवल करते हैं। ओके नाइस, वही सोच रहा था पार कैसे करें। तो ये येलो वाले जो है ये स्विचेस है, इसे हमें क्लिक करना है। अरे यार तो समझ गया था अगर ऐसा ही कुछ होने वाला। बढ़िया टाइमिंग, इतना जंप पहुंच ही नहीं रहा है। अरे हो गया, ओके नाइस, हो ही नहीं रहा है। एक ही बार हम पार कर पाए, बढ़िया। अब पार हो गया वापस। अरे स्विच दबाना था। ऊपर कैसे जाए वहां से? ओके यहाँ से ऊपर जाना, समझ में आ गया। यहाँ से हमें वापस ऊपर आके चढ़ना पड़ेगा। ओके ओके गॉट इट गॉट इट। हाँ ये वापस कैसे आ गए थे? तीन बार गुफा में आके भगा दिया। यस अभी बस यहाँ से कूदना है। ओके तो एक पहला स्विच, शिट दो स्विचेस तो दिखे, और पता नहीं ऊपर कितने स्विचेस हैं जो हमें दबाने पड़ेंगे। अरे ज्यादा लंबा जंप कर दिया। एक और चीज़ ये है, अगर आप स्पेस ज़्यादा देर होल्ड करोगे तो ये ज़्यादा लॉन्ग जंप करेगा। हमें वो स्पेस कितने देर हम होल्ड करके रख रहे हैं उस पर भी थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि ये कम ज़्यादा जंप कर दिया तो ये हम जो ब्लेड्स के, ये ब्लेड्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। ओके फाइनली पार हो गया, नाइस लेवल पार हो गया शायद। बढ़िया लेवल पार हो चुका है, अब लेवल 5-6 पार हो गया। अब बॉस फाइट है। ओके ये बॉस फाइट मैंने पहले भी किया है, एक बार इसे हरा चुका हूँ जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। इसे पहले अटेम्प्ट में हराने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे, मतलब एक 10-12 टाइम लगा होगा अटेम्प्ट इसे हराने में। और वो जो 12th टाइम पे भी जो हराया था वो ऐसे ही हो गया था, लकीली मतलब करते करते फ्लो में निकल गया। तो
मुझे पता नहीं ये इस बार कितना अच्छा बना लेंगे, लेकिन चलो ट्राई करते हैं, चलो सिनेमैटिक भी देखते हैं। नाइस, मैड साइंटिस्ट टाइप का कुछ अपना नया एक्सपेरिमेंट चल कर रहा है डॉक्टर फीटस। ये क्या ब्रेन है? ओके लॉल, क्या करना क्या चाहता था ये? ओह शिट, ओह कुछ टेलीकिनेसिस टाइप की एबिलिटी है शायद इसके पास। यस टेलीकिनेसिस टाइप की। ओ ये इसका, मुझे लग रहा है ये इसका वीकनेस है, ये हमें हिंट दे रहा है। यस ओके लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। कि मैं इसे एक बार मैंने खेला तो मुझे इसके मैकेनिक समझ में आए। हमें इसके लिए डॉच करना है और बाद में एंड में एक स्विच होता है, उल्टा के दबाना पड़ता है। लेकिन टफ तो है, उसमें समझा है कैसे पार करना है, लेकिन इसे पार करना उतना ही टफ होना ना जितना पहली बार। अरे एक ही बार मुक्का मार पाया ना उसे। Ah shit, they're going to come out of here. Okay, let's go. But he pulled up, his whole life has been one attempt to finish it. Good. Shit, shit, shit. Just like we have seen, one time on the run, we're going to start from the start. अरे मुझे लगा ही वो जंप टाइम नहीं हो पाएगा, वो इतना क्लोज था अंधेरे के, टाइम ही नहीं हो पाया जंप। नाइस हो गया गाइस, शायद बढ़िया। तो ये शायद कितना फिफ्थ अटैम्प्ट था, शायद फिफ्थ सिक्स अटैम्प्ट था। फर्स्ट टाइम में मुझे 12 अटैम्प्ट लगे थे इन टाइम पे, कि फर्स्ट टाइम पे मुझे पहले चार पांच अटैम्प्ट समझने नहीं लग गया था कि करना क्या है। इस बार हमें पता था करना क्या है, तो बस डॉज डॉज करके बचना था, क्योंकि तो इसकी पावर्स खत्म हो चुकी है। थोड़ी बहुत पावर बची है उसके पास, उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन पावर्स है ही नहीं उसके पास। हमने उसे छोड़ दिया, मीट पायर बैंडेज कल आगे निकल चुके हैं नगेट को ढूंढने के लिए। ओके ये स्क्विरल हमें फर्स्ट बॉस फाइट के बाद दिखाया था, वो बॉस फाइट जैसे फॉरेस्ट वगैरह डिस्ट्रॉय हो गए थे और कुछ एनिमल्स भी मर गए थे, शायद वही है। उसकी भी अच्छी सी स्टोरी दिखा रहे साइड बाय साइड, ये भी जो है डॉक्टर फीट से बदला लेना चाहते हैं। एनिमल्स में वो जो हमारा पहला बॉस, पहला रोबोट था डॉक्टर फीटस का, जो पहला बॉस भी था, उसको वापस जोड़ लिया। अभी वो लोग मिशन पे निकल चुके।
गाइस, तो ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है द क्लिनिक। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं अगले चैप्टर का नाम क्या है। ओके, टेनसुविला ऐसा कुछ नाम है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकते, क्या लिख कर। ओके, सो नेक्स्ट एपिसोड में ये चैप्टर चालू करते हैं और इसके पहले चार लेवल्स, अगर इतने सेम नंबर ऑफ लेवल्स रहे तो चार लेवल्स नेक्स्ट एपिसोड में और 5-6 और बॉस में उसके अगले एपिसोड। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।